नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रावण मास के तीसरे सोमवार को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्मरणीय बाबा सोमनाथ की अर्धशक्ति देवी पार्वती मंदिर का वर्चुअल शिलान्यास किया। मंदिर के शिलान्यास के साथ ही पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर के चार ओर बनाए गए परिपथ का लोकार्पण भी किया। बता दें कि पीएम मोदी खुद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर में माँ पार्वती का यह मंदिर 21 करोड़ रुपए की लागत से सफेद संगमरमर से बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह की धनराशि प्रति किसान को 2000 रुपए भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा पर एक खुली परिचर्चा की डिजिटल माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। इसका विषय समुद्री सुरक्षा बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के रखरखाव के लिए एक मामला होगा। संसदीय मानसून सत्र का यह आखिरी हफ्ता है और यह पूरा सप्ताह भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। बता दें कि जब से सत्र शुरू हुआ है एक दिन भी अच्छे से दोनों सदनों में काम नहीं हुआ है। असम मिजोरम विवाद अब थमता नजर आ रहा है। असम मिजोरम के बीच सीमा पर हुए खूनी संघर्ष के करीब 12 दिनों बाद जरूरी सामग्री से लदे ट्रकों ने मिजोरम की सीमा में प्रवेश किया। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारत के हीरो आज वतन लौट रहे हैं। इन खिलाड़ियों के भव्य स्वागत के लिए देश उत्साहित है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। उद्धव ठाकरे ने कोविड 19 रोधी टीके की दोनों खुराकें ले चुके मुंबई वासी 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सुविधा का लाभ उठाने के लिए दूसरी खुराक के बाद 14 दिन का अंतराल होना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार दुकानों, मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को छूट देने पर विचार कर रही है और आज सोमवार को कोरोना वायरस कार्यबल की बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में सभी साप्ताहिक बाजार आज से खुल गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने 10वीं से 12वीं की कक्षा तक के छात्रों को नामांकन बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल गतिविधियों की खातिर आज से स्कूल जाने की अनुमति दे दी है और कहा है कि स्कूल परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविरों की शुरुआत की जा सकती है। बी टाउन इंडस्ट्रीज से अब एक बार फिर से बुरी खबर आई है। प्रतिज्ञा के ठाकुर सज्जन सिंह उर्फ अनुपम श्याम का निधन हो गया है। अनुपम श्याम ने 63 वर्ष की उम्र में 8 अगस्त को अंतिम सांस ली। अनुपम श्याम आईसीयू में थे और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। एक्टर यू तो काफी समय से बीमार चल रहे थे लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से एक्टर का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शुरुआत में ही तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद सोमवार को देश में पेट्रोल के दाम लगातार 23वें दिन स्थिर रहे हैं। तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101.84 रुपए और डीजल 99.87 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।